हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम सेकेंड ऑफ जुलाई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द आइकन सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑन एडोलोसेंट्स ऑन तो यहाँ पर जो जाइडस कैडिला है सीक्स नॉट फॉर वर्ल्ड फर्स्ट डी कोविड वैक्सीन ठीक है तो अहमदाबाद हेड क्वार्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने अप्रोच किया है इंडिया के टॉप ड्रग रेगुलेटर को एमरजेंसी अप्रूवल के लिए इनकी जो डोजेज होंगी कोविड की वो तीन डोजेज होंगी अभी हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड यूज़ कर रहे हैं जिसमें टू टू डोजेज़ हैं स्पूतनिक अगर किसी ने ऑप्ट किया है तो उसको एक डोजेज एक डोज उसकी है और थ्री डोजेज इसकी होंगी जाइडस इसका नाम होगा जेड वाई सी ओ वी डी ठीक है ये वैक्सीन होगी इसकी तीन डोजेज होंगी तो ये जेड वाई सी ओ वी डी यूजेज प्लाज्मिड डी एन ए प्लेटफॉर्म कंटेनिंग जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंजीनियर्ड वर्जन ऑफ अ टाइप ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल जिसमें स्पाइक प्रोटीन होता है और ये क्या अलाउ करता है सार सीओवी टू वायरस को कि वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं कॉज डिजीज देयर बाय बाई हेल्पिंग द बॉडी बिल्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स तो ये है नेक्स्ट यहाँ पे जो कल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था डॉक्टर्स को और यहाँ पे मेन जो उनकी फ़ोकस था वो योग पे ज़्यादा ध्यान देना है कि योग योग किस तरीके से जो पोस्ट कोविड मतलब अगर कोई पर्सन है वो कोविड पॉजिटिव आया है उसके बाद जो है जब उसने अगर योग को अपनाया है तो बहुत ज़्यादा उसको लाभ उसके मिले हैं तो इस चीज़ पर ही फोकस उन्होंने किया कि डॉक्टर्स को भी योग की स्टडी करनी चाहिए यहाँ पे चाइना के जो जी जिनपिंग है अब इनकी हंड्रेड ईयर सेंटेनरी थी तो यहाँ पे इन्होंने वॉर्न किया है ब्रोकन हेड्स ब्लड शेड इफ़ बिट टू बुली चाइना कि अगर किसी ने भी इस हिम्मत की चाइना को आ, बुली करने की या क्रिटिसाइज़ करने की तो हम क्या कर देंगे उसको हम नहीं बख्शेंगे है ना तो साफ साफ एक अनयूजल फोर्सफुली लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है और यू और दूसरी जो पावर है है ना क्रिटिसाइज राइजिंग पावर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मिलिट्री एक्सपेंशन ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड मतलब जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे उइगुर का एक्सप्लाइटेशन हो रहा है चाइना अपना मिलिट्री एक्सपेंशन कर रहा है या फिर टेक्नोलॉजी ट्रेड में अपनी पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है तो उन सारी कंट्रीज़ को इन्होंने टारगेट किया और साफ साफ ये बोल दिया कि वो सब फ़ेस क्या करेंगे ब्रोकन हेड्स एंड ब्लड शेड फ़ेस करेंगे अगर चाइना को उन्होंने कुछ भी कहा तो एन आर लॉन्ग स्पीच थी इनकी और तो यही है सेवेंटी थाउजेंड लोग वहाँ पे थे नाइनटीन फोर्टी नाइन में गया था जी इवन वो अ ग्रे बैट अप सूट लाइक द वंस फेवर्ड बाय माओ एंड स्पोक फ्रॉम दिस सेम बालकनी ऑर टॉप तियानमेन गेट वेर द रिवोल्यूशनरी रीडर डिक्लेयर द स्टार्ट ऑफ कम्युनिस्ट रूल है ना 1949 से यहाँ से ही जो कम्युनिज्म है वो स्टार्ट हुआ था और ये बोला है कि नेशन को वन पार्टी रूल में ही रहना चाहिए चाइना ने दैन तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे चीफ जस्टिस है रमन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल आज आया है पॉलिटी पर तो ज़रूर उसे आप सुनिएगा ठीक है अभी मतलब मैं बता दूंगी बहुत सिंपल तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट सेंटर्स प्ली टू रिव्यू रूलिंग अगेंस्ट स्टेट पावर इन एस ई बी सीज तो एस ई बी सीज़ क्या है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस तो ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को डिसमिस की सेंटर्स की प्ली सीकिंग अ रिव्यू ऑफ इट्स मे फिफ्थ रूलिंग कि जो पावर है आइडेंटिफाई करने की एस ई को वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है नॉट स्टेट फॉर ग्रांटिंग कोटा इन जॉब्स एंड एजुकेशन ठीक है तो यहाँ पे अब सेंट्रल जो है क्यूरेटिव रिट पिटिशन जिसको लास्ट लीगल रिजॉर्ट बोला जाता है वहाँ पे मूव कर सकते हैं एंड uh, uh, और एड्रेस देश यू थ्रो पार्लियामेंट तो यही यहाँ पे है नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं ये डॉक्टर्स डे की स्पीच का ही कुछ न्... Synopsis है नेक्स्ट गुजरात ऑफर टेल्सा सॉरी टेस्ला वन थाउजेंड इन मुंद्रा तो यहाँ पे टेस्ला जो है वर्ल्ड की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है और ये अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं तो बहुत सारे जैसे गुजरात है तो उन्होंने भी ऑफर्ड किया है इनको लैंड ठीक है इनसाइड और आउटसाइड जो क्या है ए पी एस ई जी ए पी एस ई जेड मतलब क्या है अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एट थाउजेंड फोर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर सॉरी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड हेक्टेयर ये होगा विच हाफ इज़ लाइंग वेकेंट और यहाँ पे कहना है कि दे आर अंडर डिसाइडेड इफ दे शुड कम टू फार अवे प्लेस इन गुजरात तो देर इज़ लिटिल और नो सोशल लाइफ इन गुजरात वाइल इट इज़ नॉट सो इन बंगलौर बस तो ये है कि गुजरात कर्नाटक स्टेट एंड महाराष्ट्र आर किंग टू रोल आउट द रेड कारपेट और वन थाउजेंड हेक्टेयर्स जो मुंद्रा का है कच्छ कोस्ट में यहाँ पे वो देने को तैयार है गुजरात ठीक है देन नेक्स्ट आर रिलीजियस सोल और द गुड डॉक्टर्स ब्रेकिंग द चेन चेसमेट मेट तो एक बार पहले हम इसी पे बात कर लेते रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ क्योंकि बाद में बिल्कुल एनर्जी Uh, मतलब आवाज ही नहीं निकलती है ना तो पहले इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं द फॉर्मर इज़ वट वी फॉट फॉर द लेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन द फेस ऑफ पैंडमिक इट्स इंपॉर्टेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द टेंशन बिटवीन द टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ जस्टिस तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रूल ऑफ लॉ वर्सेज रूल बाय लॉ के बारे में डिफाइन कर देती हूँ कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है रूल ऑफ लॉ मतलब क्या हुआ कि मतलब इसको एक प्रिसाइज वे में समझाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं समझाया जा सकता पर फिर भी इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन नो वन इज अबव द लॉ ठीक है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है मतलब क्या है देर इज़ इक्वलिटी अमंग द सिटीजन्स सभी सिटीजन्स के लिए क्या होगा कानून समान होगा ठीक है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो चाहे वो स्पीकर हो इमाम हो या फिर कोई भी रिलीजियस लीडर हो या फिर कोई प्रोमिनेंट किसी अथॉरिटी या पोस्ट को हेड कर रहा हो तो वो दे ऑल आर इक्वली सब्जेक्ट टू द लॉ तो ए वी डाई के बारे में भी आपने सुना होगा ये इंग्लिश के फिलोसोफर uh, इंग्लिश के मतलब जो काफ़ी एक्सपर्ट और प्रोफेसर और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे तो इन्होंने रूल ऑफ लॉ को जो डिफ़ाइन किया था तीन कैटेगरी में डिफ़ाइन किया था फ़र्स्ट कैटेगरी में इन्होंने ये बोला था कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ ठीक है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ दूसरे में इन्होंने बोला था इक्वलिटी बिफोर लॉ ठीक है जिन्होंने डी डी वसू भी पढ़ी होगी उसमें भी बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें डिफाइंड है एंड प्रीडोमिनस ऑफ लीगल स्पिरिट प्रीडोमेंस ऑफ लीगल स्पिरिट तो यहाँ पे मतलब ये तो सिंपल तरीके से ही हो गया कि लॉ की को, सभी को मतलब इक्वली ट्रीट करना है लेकिन देखो इसका इससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग है और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा अलग है मतलब हमको ये भी पता होना चाहिए कि क्या किसे रूल ऑफ़ लॉ कहते हैं और क्या रूल ऑफ़ लॉ नहीं है तो रूल ऑफ़ लॉ का मतलब लॉ एंड ऑर्डर से कभी भी मत समझना ठीक है लॉ एंड ऑर्डर एक टेम्प्री फिननल होता है और रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है कि अगर इसका एक बार क्लेप्स हो जाता है ठीक है तो क्या होता है गुड गवर्नेंस क्या हो जाएगी कोलैप्स कर जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़म हमारा ब्रेकडाउन कर जाएगा स्टेट का ठीक है और अगर अगर इसका लॉ एंड ऑर्डर का अगर ब्रेकडाउन होता है तो बस क्या होगा ये टेम्प्रेरी टाइम के लिए ही होगा लेकिन रूल ऑफ लॉ एक बहुत वाइड uh, एक कंसेप्ट है वाइड फिनोमिना है ठीक है एंड रूल बाय लॉ मतलब कि जैसे जो रूल जो लॉ के द्वारा गवर्न होते हैं तो जैसे आपको यहाँ पे मैं नाजी जर्मनी का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी जैसे यहाँ पे क्या था लोगों को जो जूस लोग थे तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में वो रखते थे फिर गैस चैम्बर में उनको भेज दिया जाता था है ना तो यहाँ पे वो उनका मतलब जो जस्टिफिकेशन था इसके लिए कि लोगों को क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो यही था कि वो क्या कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हम लॉ है है ना तो लॉ एक हम क्या कर रहे हैं लॉ की वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है तो वो क्या था दैट वाज़ रूल बाय लॉ नॉट रूल दैट वाज़ रूल बाय लॉ नॉट रूल ऑफ लॉ तो ये इसे कह सकते हैं ना तो ये इम्पॉर्टेंट है मतलब यहाँ पे क्या होता है जब भी रूल बाय लॉ होता है तो एक किसी गलत चीज़ों को भी आप इसका मिसयूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है कि गलत चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हो एक लेजिस्ेशन uh, आप दे देते हो कि वो उनका इनैक्टमेंट हो सकता है है ना तो यहाँ पे इन्होंने एक स्पीच दे रहे थे तो उसमें यही बोला है कि ये uh, मतलब लॉ की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है एंड लॉ को मतलब एक डबल एज सोर्ड यहाँ पे इस डेफिनेशन के बारे में इन्होंने ये लिखा है कि uh, इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वट इज़ लॉ लॉ इज़ इट मोस्ट जनरल सेंस इट इज़ अ टूल ऑफ सोशल कंट्रोल दैट इज़ बैक्ड बाय दॉवरन है ना तो लेकिन ये इन्होंने एक मतलब थोड़ी सी इसको कम वैल्यू दी है और इट कैन भी यूज नॉट ओनली टू रेंडर जस्टिस इट कैन ऑल्सो भी यूज टू जस्टिफाई ऑपरेशन ठीक है अब ब्रिटिश जब कॉलोनियल पावर थी तो उन्होंने ये लॉ को यूज़ किया था एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेशन तो यही मैं आपको समझाना चाह रही थी जैसे रूल बाय लॉ मतलब कि लॉ को अपने तरीके से आप यूज़ कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो बोल दे रहे हो कि हम लॉ है क्योंकि इसलिए कर रहे हैं ना तो पॉलिटिकल रिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इन्फोर्सिंग इट अन ऑन द पार्टीज़ एंड विद अ डिफ़रेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर द ब्रिटिश एंड फॉर द इंडियाज तो उस टाइम पर ऐसा हुआ था एंड यहाँ पर इन्होंने लीगल uh, पॉजिटिविज़म के मतलब रूल ऑफ लॉ के जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है उसके काफ़ी रिलेवेंट फोर प्रिंसिपल यहाँ पर बताए गए हैं तो पहला प्रिंसिपल इन्होंने ये बताया है कि जो लॉ है दैट मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेबल बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए क्लियर और एक्सेसिबल होना चाहिए देखो मतलब अगर आ, कोई महिला है ठीक है उसने सपोज उस पर कोई एलिगेशन लगे हैं कि उसने चोरी कर दी है या फिर आ, कुछ भी है तो अगर उसको आ रहे हैं पुलिस वाले मतलब अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं पुलिस कांस्टेबल अगर वो मेल है उसको अरेस्ट कर रहा है एंड शी इज़ नॉट अपोजिंग इट क्योंकि बिकॉज़ वो जानती नहीं है कि उसको एक महिला कांस्टेबल के द्वारा ही अंदर अरेस्ट किया जा सकता है या फिर आप हो कुछ सनसेट के टाइम पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ना बाकी आपको ये सब मतलब जब तक पता ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपोज कर पाओगे तो एटलीस्ट पीपल ऑट टू नो वट द लॉज आर एंड देयर कैन नॉट देयर फोर बी सीक्रेटिव लॉज तो सीक्रेटिव लॉज नहीं होने चाहिए कि पुलिस वालों को कुछ चीज़ें पता है वो आदमी को नहीं बता रहे प्रिजनर्स को कि ऐसा ऐसा भी है आपको एक मतलब जो अपने लिए लॉयर है वो भी आप कर सकते हो है ना तो ये सब भी एक सीक्रेटिव लॉ नहीं होने चाहिए क्योंकि ये जो लॉज हैं वो सोसाइटी के लिए ही बने हैं और अनदर इंप्लिकेशन ये होना चाहिए कि वो सारे एक सिंपल वर्ड में होने चाहिए शुड बी अ वर्डेड सिंपल अनएम्बिक्वस्ड लैंग्वेज इतने टफ लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए कि आम आदमी समझ ही ना पाए सेकेंड प्रिंसिपल की इन्होंने बात की है आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ कि इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना कि सबके लिए जस्टिस समान होगा जस्टिस इक्वल जस्टिस विल भी रेंडर्ड मीनिंगलेस इफ दलरेबल सेक्शंस आर अनेबल टू इंजॉय द राइट्स बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी लिटरेसी और एनी अदर काइंड ऑफ वीकनेस तो किसी कोई गरीब है कोई लिटरेट है किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी वजह से मतलब यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए कुछ भी हर्डल्स नहीं आने चाहिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ अनदर आस्पेक्ट ये है कि जेंडर इक्वलिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए वुमेन को क्या मिलने चाहिए लीगल एम्पावेंट ताकि वो क्या कर सके अपने जो राइट्स right हैं उनको एडवोकेट कर सके और विजिबिलिटी जो है इंक्रीज़ कर सके लीगल रिफॉर्म प्रोसेस में और उनका जो पार्टिसिपेशन है वो होना चाहिए क्योंकि अगर अगर बायस या फिर Uh, कुछ भी प्रिजोडाइस uh, रहता है अगर किसी भी डिसीजन या किसी भी चीज़ में तो वो इनजस्टिस ही होता है है ना पर्टिकुलरली व्हेन इट रिलेट्स टू माइनॉरिटीज़ दूसरा ये थर्ड प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफ़ाइनमेंट ऑफ लॉज तो हम किस तरीके से इस वाले थर्ड uh, पॉइंट पे खड़े उतरते हैं इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस के uh, एक हमारे पास इलेक्शंस चुनाव ही एकमात्र जरिया होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास राइट टू पार्टिसिपेट है कि जब भी हम रिफाइनमेंट ऑफ लॉज की बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिनको अपॉइंट कर रहे हैं जिनको इलेक्ट कर रहे हैं कल को वही हम लोगों के लिए रूल्स और जो लेजिस्टिव जो विधान है वो सब बनाएंगे इम्प्लीमेंट करेंगे सो द वेरी सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट सिटीजनरी हैज़ अ रोल टू प्ले और चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो है ना इन द लॉज दैट गवर्न देम तो इंडिया इज डन थ्रू इलेक्शन वेर द पीपल गेट टू एक्सरसाइज देयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम क्या कर रहे हैं लोगों को इलेक्शन uh, इलेक्ट elect कर रहे हैं सेवनटीन्थ नेशनल जनरल इलेक्शन का यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है और इन्होंने ये बोला है कि जो पीपल हैं उनके मतलब उन्होंने देखो सत्रहवीं नेशनल जनरल इलेक्शन हो गए ना और अभी तक हमने एट टाइम्स जो है पार्टीज़ को चेंज किया है रूलिंग पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज़ को तो ये एक शो करता है कि इंस्पाइट ऑफ मतलब कितनी सारी हमारी लार्ज स्केल ऑफ असमानताएँ हैं हमारे देश में असक्षरता है बैकवर्डनेस है पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है गरीबी बहुत ज़्यादा है बहुत तरह की इग्नोरेंस भी है लेकिन यहाँ पे हम बहुत इंटेलिजेंट बुद्धिमान साबित हुए हैं क्योंकि हमने जो है बहुत सारी जो पार्टीज हैं उनको भी चेंज किया है हमने जो गवर्नमेंट है टाइम टाइम पे बदली हैं और अपने जो राइट टू वोट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है है ना तो इन्होंने यहाँ पे जूलियस स्टोन की एक बुक है द प्रोविंस ऑफ लॉ इलेक्शन डे टू डे पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो इसके बारे में भी बात की गई है कि वॉइसिंग ऑफ प्रोटेस्ट इज इंटीग्रल टू द डेमोक्रेसिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कि क्रिटिसिज्म हो या फिर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो या फिर प्रोटेस्ट है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है सो द आइडिया ऑफ जुडिशरी एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ एंड फाइनल प्रिंसिपल तो फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने क्या बात की है जस्टिस रमन्ना ने द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी ठीक है तो अब बोला जाता है जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन ठीक है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है जुडिशरी को तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जुडिशरी की स्वायत्ता होनी चाहिए उनकी एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए है ना ताकि वो इंश्योर कर पाएँ जो लॉज है वो जितने भी लॉज इनेक्टेड कर रहे हैं आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग uh, है या नहीं सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी कि दैट of judicial review of laws or Supreme Court has held this function to be a पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो केशवानंद भारती बनाम केस हुआ था ना केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट थी तो उसमें रूल ऑफ लॉ को क्या कर दिया गया था रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है और यहाँ पे ये भी कि जुडिशरी को मतलब फिर भी ये नहीं है कि ठीक है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि जो संविधानवाद है उसको सुरक्षा उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसकी है न्यायपालिका की पर ऐसा सोच के बाकी के जो और स्टेट के जो तीन अन्य ऑर्गन हैं दो अन्य ऑर्गन हैं उनको मतलब यह है कि ऐसा नहीं सोचना है कि बस उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधानवाद को सुरक्षित करने की बाकी सबकी भी है ठीक है एग्जीक्यूटिव की है लेजिस्लेचर की है ठीक है जुडिशरी की तीनों ने मिलकर ही करना है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव क्या है लेजिस्लेचर क्या है जुडिशरी क्या है ना तो हिंदी में मतलब जनरली एग्जीक्यूटिव मतलब देखो एग्जीक्यूट करना तो कार्यपालिका हो गया है ना किस कार्य को एग्जीक्यूट करना कार्यपालिका लेजिस्लेचर मतलब जो विधि बनाता है लेजिस लॉ बनाता है लॉ बनाना तो ये हो गया विधायिका या फिर विधायक विधायिका बोल सकते हो ठीक है देन जुडिशरी का न्यायपालिका पता ही आपको तो यहाँ पर यह है कि लेजिस्लेचर एंड जुडिश्री आर इक्वल रिपोजिटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट इक्वली काम करना है रोल जो है जुडिशरी का क्योंकि जुडिशियल एक्शन थोड़ा लिमिटेड है इट ओनली परटेंस टू फैक्ट्री एक्ट प्लेस बिफोर इट दूसरा ये बोला गया है कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट गवर्नमेंटल जो पार और एक्शन है वहाँ पे चेक्स को अप्लाई करना चाहिए कंप्लीट फ्रीडम उनकी होनी चाहिए लेकिन उनको क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी कंट्रोल नहीं कर सकते बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और एल्स रूल ऑफ लॉ वुड बिकम इल्यूजरी है ना तो ये है तो जज को भी यहाँ पे माइंडफुल होना पड़ेगा जितने भी जजेज़ हैं अपने फैक्ट के साथ साथ माइंडफुल ऐसे कि जैसे जो सोशल मीडिया है है ना सोशल मीडिया में कई तरह की न्यूज़ होती हैं इमोशनली भी लोग मतलब अगर वहाँ पर जज उस चीज़ से इन्फ्लुन्स हो रहा है तो वो भी सही नहीं है और वहाँ पे क्योंकि जो मीडिया ट्रायल्स यहाँ पे बोला गया है वो कोई भी केस को डिसाइड करने के लिए गाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये यह भी है कि कम्प्लीटली डिसोसिएट डिसएसोसिएट भी नहीं करना है कि क्या चल रहा है वो भी ना पता हो जज को जजेस कैन नॉट स्टे इन एवरी कैसल एंड डिसाइड क्वेश्चन दैट परटेन टू सोशल इश्यूज़ है ना तो यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से हम ओथ लेते हैं टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ विदाउट फेयर एंड फेवर अफेक्शन और इल विल अप्लाइज इक्वली टू गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जज की है मतलब कि आफ्टर ऑल टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज और यहां पे इन्होंने जो तेलुगु के है इन्होंने मतलब एक लिबर्टी पे कोट था तेलुगु के महाकवि गुरजा दा अपा राव का ये ग्रेट पोएट और रिफॉर्मिस्ट थे नाइन्टीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी के तो उससे इसको समाप्त किया है आर्टिकल को यूनिवर्सल डेफिनेशन कंसेप्ट दिया है ऑफ नेशन का ही सेड अ नेशन इज़ नॉट मेयरली अ टेरिटरी अ नेशन इज़ इसशली इट्स पीपल है ना तो नेशन एक टेरेटरी नहीं है बल्कि इसके लोग भी हैं और जब लोग प्रोग्रेस तरक्की करेंगे तभी हमारा राष्ट्र भी क्या करेगा तरक्की प्रोग्रेस करेगा तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ऑफ इंडिया और ठीक है है पे जो news है, I hope आपको समझ में आया होगा, ठीक से Breaking the chain. तो ये उमा महादेवन दास गुप्ता uh, तो इनके व्यूज है यहाँ पे तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डाउरी है डाउरी से फाइट करने के लिए ग्रास रूट मूवमेंट चलना चाहिए अभी क्या हुआ था रिसेंटली केरल में uh, एक मतलब uh, Uh, जो लड़की है है ना विस्मया नायर शी फाउंड डेड इन हर हाउस एंड डेज आफ्टर मैसेजिंग अ रिलेटिव दैट हर हस्बैंड हैड बीटन हर अप है ना तो क्यों उसको मतलब प्रताड़ित किया गया क्यों उसका शोषण किया गया क्योंकि जो कार मतलब हस्बैंड को नहीं पसंद आ रही थी जो uh, डाउरी में मिली थी है ना तो ये सब uh, है एंड आफ्टर हर डेथ हर पेरेंट्स एक्यूज द हस्बैंड ऑफ टॉर्चरिंग फॉर डाउरी एंड दे हैड गिवन अ कार हंड्रेड गोल्ड सॉवरिन एंड एकर ऑफ लैंड एंड ही वॉन्टेड मोर तो यहाँ पे ये बोला गया आपने एक मूवी अगर देखी है नहीं देखी तो आप देख सकते हो द ग्रेट इंडियन किचन तो ये बिल्कुल मलयालम फिल्म फिल्म है और बिल्कुल रियल सीन है मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि एक किसी पुरुष ने ये डायरेक्ट किया है मूवी है ना क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बहुत जो बेसिक चीजें होती है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की है उसके बाद ये मूवी बनाई है तो यहाँ पे एंट्रेंस पेट्रेरकी को दिख देख देखने को मिलती है विद इन द फैमिली होम तो पेट्रेारकी आप में से कोई मुझे मतलब बता सकता है कि किसके घर में नहीं है सबके घर में होगी पेट्रेरकी पेट्रेरकी का मतलब देखो बहुत तरीके की पेट्रेयर की पितृसत्तात्मकता वो भी होती है भले ही हमारे जो पेरेंट्स हैं हम एक प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करते हैं पहले जो थे बहुत सारे ट्रेडिशन थे जिनको हम फॉलो करते थे लेकिन टाइम के साथ साथ हम वो चीज़ें uh, कर रहे हैं ना छोड़ रहे हैं जो हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली हमको हमेशा संजो के रखनी चाहिए वो तो हम फॉलो करते रहेंगे बट जो जिनकी आ, मतलब पहले पूरा जैसे अगर कपड़ों की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते थे कपड़ों कपड़े पहनने पे कि ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना है ना बहुत सारे लेकिन अब उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं और दूसरा ये है कि अब जैसे अगर घर पर भी आप हो तो घर पर देखो ये होता है कि जनरली चार लोग हैं सब ने चाय पी और अपने जो ग्लास है वो आप वहाँ पर सिंक पे रख के आ दौड़ के भाग गए और आप मतलब दस सेकेंड या बीस सेकेंड तीस सेकेंड या एक मिनट लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको वॉश करने का लेकिन फिर भी ये है कि नहीं जो घर की जो महिलाएं हैं वो ही उनको वॉश करेंगी है ना तो ये भी एक तरीके की पेट्रर की सेट होती है अगर विद इन द फैमिली की बात करें यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है ठीक है तो <coughs> मतलब वैसे बहुत सारी चीज़ें डिसीज़न मेकिंग एंड ऑल सो ये है कि नैर इज जस्ट वन मोर इन द एंडलेस स्टैटिक्स ऑफ हॉरिफाइंग डाउरी डैथ्स एंड दे आर सो कॉमन दैट इफ ए यंग वुमेन डाइज विथ बर्नस और अदर इंजरीज विद इन सेवन ईयर्स मैरिज तो उसको डाउरी डेथ बोलते हैं तो यहाँ पर ये बोला कि जिस तरीके से हमारे टाइम पर वो जो डिसग्रेसफुल सती और चाइल्ड मैरिज थी है ना तो वो बंद हो गई तो इस तरीके से अभी ये डाउरी डेथ भी होना चाहिए क्योंकि डाउरी प्रोहबिशन एक्ट जो था वो साठ साल पहले ही पास हो गया था और अगर बात करें कि मतलब लोगों में अशिक्षा की कमी है देखो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि जो अशिक्षित लोग हैं वो दहेज की मांग करते हैं क्यों क्योंकि केरल में जिस तरीके के जो केस होते हैं केरल में बहुत ज़्यादा डॉरी की डिमांड होती है और वहाँ पे जो टोटल लिटरेसी रेट है वो आपको पता ही है हाइएस्ट है हमारे पूरे ऑल इंडिया स्टेट में सो so, येट जो वेडिंग्स हैं वहाँ पे वो अभी भी लेविश होती हैं जो ब्राइड्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेटियों की शादी करने के लिए लोन लेते हैं और खुद बैंक हो जाते हैं डेट ट्रैप में फंस जाते हैं एंड ब्राइड इज़ नाउ अ कॉमोडिटी ठीक है वो तो एक वस्तु ही होती है उसको वस्तु की तरह देखा जाता है हंड्रेड ओवर अ एज अ पैकेज बंडल अप विद गोल्ड वाइट गुड्स कार पीस ऑफ लैंड नो लेस देन एन एकर एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अभी हमें ये चेंज करना होगा रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स को डॉरी को एक्सेप्ट करना होगा एज अ सोशल स्टिग्मा जैसे एक सामाजिक एक धब्बा अगर कोई कोई डॉरी की डिमांड कर रहा है तो उसको आप क्या करो उसको क्रिटिसाइज़ करो है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको छूआ छूत आप बोल दो जैसे कोरोना के टाइम पे हो जाता है ना गेट सुपर स्टार्स टू एंडोर्स दिस सुपर स्टार्स को फालतू चीज़ें ना एंडोर्स करके ये सब एंडोर्स करो यंग को भी स्पीकअप उनको भी बोलना चाहिए वुमेन शुड फ्लैटरी रिफ्यूज टू गिव डाउरी मैन शुड रिफ्यूज टू टेक इट मैन को रिफ्यूज कर देना चाहिए वाई शुड पेरेंट्स ऑफ ब्राइड्स भी फोर्स टू गिविंग एक्सपेंसिव गिफ्ट है ना जो सिंपल और इनएक्सपेंसिव डॉरीलेस मैरिजेस भी तो हो सकती हैं वो भी नॉर्मलाइज कर सकते हो बॉलीवुड स्टाइल एक्स्ट्रावेंजर जो वेडिंग्स हैं है ना उस तरीके के ना हो तो लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट ये है कि वुमेन की जो प्रेजेंस है वर्क फोर्स में वो बहुत कम है और फिर क्या है साथ में वुमेन्स जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी नहीं है मतलब कुछ ना कुछ करो चाहे आप दो हज़ार कमाओ तीन हज़ार कमाओ पाँच हजार दस हज़ार बीस हजार पचास हज़ार एक लाख मतलब जितना भी आप कमा रहे हो बट आप कुछ ना कुछ अर्निंग करनी चाहिए वुमेन को वुमेन शुड बी सपोर्टेड टू टेक अप जॉब्स दिस मींस वी शुड एक्सपेंड चाइल्ड केयर एंड सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वुमेन खुद देखो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंट रहेगी और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हायरिंग में नहीं होना चाहिए कि वुमेन है तो उनको नहीं क्योंकि उनके साथ मेटर्निटी एंड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उस वजह से भी भेदभाव का सामना उनको करना पड़ता है क्रिएट अफॉर्मिंग वर्क प्लेस मेन मैन शुड शेयर डोमेस्टिक वर्क केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में जो है महिलाओं की सहायता करनी चाहिए सभी को और जो इनिशियल स्टेज है ना तो वहीं से हमको सिस्टमेटिकली सेंसिटाइज़ करना चाहिए जेंडर इक्वलिटी को बॉयज़ एंड गर्ल्स को हमें समझाना चाहिए कि क्या होता है जेंडर इक्वलिटी uh, तो यहाँ पे यही है कि जेंडर न्यूट्रल इक्वलेंट्स करना चाहिए मैन पावर की जगह और जो डिसीजन मेकिंग भी होती है या फिर जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसको मेल बोला जाता है मेल को बोला जाता है लेकिन यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ को बोला जाना चाहिए शुड बी डिफाइंड एज अ जॉइंट हेड्स एंड काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल मतलब इन्होंने लिखा है कि जो भी ये सिस्टम है यहाँ पे जब सब लोग लोकल सपोर्ट सिस्टम आएगा और अवेयरनेस स्प्रेड होगी डिस्प्लेइंग सॉलिडेरिटी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पावरफुल रोल प्ले कर सकते हैं बिल्डिंग अ मोर इक्वल सोसाइटी चेस मेट यहाँ पे जो आर्टिकल है अभिमन्यु मिश्रा के द्वारा सॉरी uh, अभिमन्यु मिश्रा जो एक यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर चेस चेस हिस्ट्री में बन गए हैं वेंसडे को ठीक है ही बिकेम द देंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द चेस एंड ट्वेल्व ईयर्स फोर मंथ ट्वेंटी फाइव डेज़ ओल्ड विमेन न्यू क्रिएटेड हिस्ट्री एट बूढ़ा पेस तो बूढ़ा पेस में इन्होंने जो रिकॉर्ड था रशियन सेरगे कैरस जेकििन ठीक है इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया ये बारह साल सात महीने के थे गेटिंग देयर इन टू थाउजेंड टू अब ये बारह साल और चार महीने के ही हैं और इन्होंने यंगेस्ट जो ग्रैंड मास्टर है चेस में वो जीत लिया है ठीक है द गुड डॉक्टर्स तो यहाँ पे पैंडमिक हैज सीन द ट्राइम ऑफ साइंस एंड सर्विसेज द मेडिकल कम्युनिटी एक्ज्लीफाइज द बेस्ट ऑफ दैट स्प्रेड तो ये सब डॉक्टरों के बारे में लिखा है कि डॉक्टरों ने ये सब किया और डबल मास्क पहन के आए स्लीप डिप्राइड भी उनको हुआ और हर टाइम ट्वेंटी फोर बाई सेवन वो काम कर रहे हैं फिर ये वायरस है एंड उन्होंने बहुत सारे जो हेल्पलेसनेस सीन थे मॉर्टिलिटी ये सब भी देखी उनकी मेमोरी में ऑक्सीजन लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड दे हैव ऑल्सो बीन विटनेस टू द इंटीमेट लोनली ग्रीफ टू दोज इन कोविड नाइन्टीन ना उनके टाइम पर भी वो वहाँ पर रहे एक रेयर ह्यूमन कनेक्शन देखने को मिला जबकि फैमिली एक दूसरे से मिलने नहीं जा पा रहे थे कोरोना के टाइम पे तो पे आई एम ए ने बोला है कि फिफ्टीन थाउजेंडर्स है आठ सौ से ज्यादा ही लोग की उनकी डेथ हुई होगी मतलब डॉक्टर्स की द टोल ऑन डॉक्टर्स मेंटल हेल्थ आफ्टर अ ईयर ऑफ सर्विंग इन हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट है ना तो ये सब है कि हमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए आगे भी गवर्नमेंट को कि जैसे टेम्प्रेरी बेसिस पे हायरिंग कर रहे हैं डॉक्टर्स की अभी भी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं है ना बहुत सारी पोस्ट वेकेंट होने के बाद भी तो वो सबको अब इससे लेसन हमको सीखना चाहिए और परमानेंटली कुछ ऐसा करना चाहिए कि मतलब डॉक्टर स्टाफिंग ये सब पे ज़्यादा फोकस हो आर रिलीजियस सोल तो ये प्रताप भानु मेहता ने आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है अभी एक एक रिलीज आ, हुई थी रिपोर्ट प्यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट रिलीजन एंड इंडिया टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन सीरियस सर्वे डेटा विद ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड रेस्पॉन्डेंट्स ठीक है तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले करता है रिलीजन आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो थो, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो उस आर्टिकल को कि किस तरीके का ये सर्वे है मतलब ये बता रहा है कि जो आइडियोलॉजी है हमारे देश में रिलीजन को रिस्पेक्ट करने की एक दूसरे के तो वो बहुत ज़्यादा हाई है है ना आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल रिलीजन ग्रुप्स फॉर इंस्टेंट 80 परसेंट ऑफ हिंदूज एंड 70 परसेंट जो मुस्लिम्स हैं वो ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के रिलीजन को क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं हमारी रिलीजन आइडेंटिटी का एंड सेवेंटी मुस्लिम और एट्टी फाइव हिंदूज़ जो हैं वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले इंडियन हों ठीक है तो ये बहुत अच्छी बात है ट्वेंटी ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स थिंक रिलीजियस डाइवर्सिटी हार्म द कंट्री तो ये ट्वेंटी फोर लोग ऐसे हैं जो हिंदू में और मुस्लिम में ये सोचते हैं कि जो धार्मिक विविधता है वो हमारी कंट्री को क्या करेगी नुकसान पहुँचाएगी रिलीजियस ग्रुप्स क्लेम टू नो लेस अबाउट ईच अदर प्रैक्टिस एज टाइटल ऑफ़ द रिपोर्ट इंडिकेट्स इंडिया की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो कैसी है सेग्रीगेटेड है अलग अलग है लेकिन हम क्या करते हैं एक आइडियोलॉजी है टोलरेशन की बट प्रैक्टिस इट वट कॉल सेगमेंटेड टॉलरेशन इसको कह सकते हैं ठीक है जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि वो रिलीजियस जो इंटरमेरिजेज़ हैं चाहे वो मैन हो वुमेन हो उनकी मतलब नहीं होने देते हैं तो उनकी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रहती है तो ऐसी परसेंटेज कितने सेवेंटी परसेंट ऐसे लोग हैं हिंदू और मुस्लिम में कि जो अपनी ही कम्युनिटी में चाहते हैं कि शादी हो विवाह हो वाइल फोर्टी फाइव परसेंट हिंदूज़ आर फाइन विद हैविंग अ नेबर फ्रॉम एनी रिलीजन फोर्टी को कोई भी आपत्ति नहीं है क्यों किसी भी तरह के रिलीजन फोर्टी डू नॉट वॉन्ट अ मेंबर ऑफ अनदर रिलीजन एज अ नेबर सिक्सटी ऑफ जैन वुड एक्सक्लूड मुस्लिम तो ये सब है एक बार आप इसमें देख लो कि सेग्रीगेशन ठीक है ज़्यादा फैक्ट दिए तो हुए हैं और ये देख सकते हो हैं फेसिंग अप द ड्रोन चैलेंज तो संडे को अभी ड्रोन अटैक हुआ था और आज भी ये बोला गया कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर में अगर आप न्यूज़ देखे हुए तो तीन से चार के टाइम पे बीएसएफ ने काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की और फिर एक ड्रोन था ठीक है वो वापस गया तो ड्रोन अटैक जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं इमर्जिंग थ्रेट एज वेल एज नीड टू बिल्ड कैपेसिटी इन दिस फील्ड हाउ इज़ इंडिया प्लेसड इन ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑफेंसिव मेजर टू काउंटर सच अटैक्स इन फ्यूचर अभी जो था यहाँ पे आई के जो पैक थे है ना हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव तो वो भी ड्रॉप किए गए थे इंडियन एयरफोर्स बेस पे जो हमारे जो आई के टू पर्सनल थे वो भी इंजर्ड इससे हो गए थे तो आर्मी चीफ जनरल एमएम एम नरवाने इम्फेसाइज किया द न्यू थ्रेट ऑन थर्सडे कि डी आई वाई डू इट योर सेल्फ है ना तो ड्रोन जो है इट कैन बी ईज़िली एक्सेस्ट यूज बाई स्टेट एंड नॉन एक्टर्स एंड इंडिया अभी जो है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को अपने बढ़ा रहा है कि ताकि इस तरीके के जो अटैक है उससे हम बच सके तो यहाँ पर ये सब बातें की गई है कि क्या क्या मतलब जो टेररिस्ट थे क्या वो बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं अब जैसे दो हज़ार तेरह की बात करें तो अलकायदा ने यूज़ किया था पाकिस्तान पर मल्टीपल ड्रोन अटैक्स हुए थे है ना लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रिवेंट कर दिया था इस्लामिक स्टेट जो है वो रेगुलरली ड्रोन अटैक यूज़ करता है सीरिया और इराक़ में तालिबान जो है यूज़ करता है सर्विलेंस के लिए अफगानिस्तान में हिजबुल्ला हाथी हती जो रिबल्स हैं ये भी अटैक्स के लिए यूज़ करते हैं अब इंडियन के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जैसे हिरानगढ़ जम्मू कश्मीर है न हिरानगर हैगजा कॉप्टर पे लोड इंक्लूडेड यू एस में तो यहाँ पर सब देखने को मिले हमें चाइनीज़ ग्रेनेड्स यहाँ पे ड्रोन अटैक हुए थे तो किस तरीके से हम टैकल उनको कर सकते हैं टैकल करने के लिए देखो अभी जो कन्वेंशनल रडार है ठीक है उसी का मतलब यूज़ होता है सिस्टम आर नॉट मेंट फॉर डिडक्टिंग स्मॉल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इवन इफ दे आर कैलिब्रेटेड दैट वे दे माइट कन्फ्यूज़ अ बर्ड और ड्रोन तो करंटली अगर हम बॉर्डर फोर्सेज की बात करें तो अभी हमारी आईसाइट हम यूज़ कर रहे हैं टू स्पॉट ड्रोन्स और उसके बाद हम शूट डाउन करते हैं एंड अगर हम बात करें इंडिया में टेक्नोलॉजी को इस एक्सप्लोर करने की तो अभी हमारे पास क्या है ड्रोन uh, को डिसेबल करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज जो है यूज uh, करते हैं टू शूट डेम डाउन एंड यूजिंग लेजर गन तो लेजर गन है हमारी टेक्नोलॉजी टू डिसेबल देयर नेविगेशन इंटरफेयर विद देयर रेडियो फ्रिक्वेंसी और जस्टिफाई देयर सर्किट्स यूजिंग हाई एनर्जी बीम्स हैव ऑल्सो बीन टेस्टेड ठीक है अब यह है कि हमारा डी आर डी ओ इस दिशा में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है बट इज नॉट येट इन टू मास प्रोडक्शन अभी मास प्रोडक्शन में नहीं हुआ है और क्योंकि क्यों एक डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी जो ड्रोन है तो उसको उसको भी डेवलप किया था एंड डीआरडीओ काउंटर ड्रोन सिस्टम भी डेवलप किया था वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए जो 2020 में रिपब्लिक डे परेड्स में और 21 में भी यूज़ हुआ एंड प्राइम मिनिस्टर की इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी जिस दिन है ना एंड जब जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे जिस दिन मोटेरा स्टेडियम में तब भी ये यहाँ पर भी था एंड डी सिस्टम डेवलप दो में उन्होंने हार्ड किल हार्ड किल मतलब जो ड्रोन Uh, जो विद लेज़र डिस्ट्रॉइंग अ ड्रोन विद लेज़र ठीक है तो हार्ड किल कैपेबिलिटीज़ का भी हमारे पास डेवलपमेंट हुआ है डी के द्वारा एंड सॉफ्ट किल सॉफ्ट किल मतलब जैमिंग अ ड्रोन सिग्नल्स कि जो सिग्नल्स हैं उनको ही जैम कर देना तो ये भी हमारे पास है इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं इंडिया का जो प्लान है नेवी को नेवी को अभी हमारी आ, टू अनम्ड सी गार्जियन पेडिएटर ड्रोन मिले हैं लीज पर यूएसए से एंड थ्री फोर्सेस वॉन्ट थर्टी ऑफ दिस यू बिटवीन देम एंड ऑन जनवरी फिफ्टीन ड्यूरिंग द आर्मी डे परेड द आर्मी शो केस इट्स स्वैम टेक्नोलॉजी ठीक है तो सेवेंटी फाइव आर्मी डे परेड पर भी हमने ये सब डेमॉन्स्ट्रेशन किया तो बाकी ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ ट्वेंट इमरान से इस पाकिस्तान एक्सेप्ट चाइनीज वर्जन तो चाइनीज वर्जन इन्होंने उइगुर इशू पे किया है कि हम कुछ भी मतलब वहाँ पे कैंप्स uh, जो हैं वही लगा रहे हैं उनका उइगुर मुसलमानों का मतलब क्या नहीं करते उइगुर कम्युनिटीज़ uh, का हम शोषण नहीं कर रहे हैं ना मास एवकेशन एज फिलिप्स रेजेज वॉलकैनो डेंजर लेवल तो ये वॉल्कैनो न्यूज़ में है ताल ताल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एक्टिव वॉलैनोज ठीक है ताल क्या है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एक्टिव वॉलैनोज है एंड यहाँ पर जो मैगमा का कॉन्टैक्ट था वो क्रिटर्स के वाटर से हुआ विच देन टर्न इन टू गैस एज फ्रेटो मैग्मैटिक इरप्शन ठीक है फ्रेटो मैग्मैटिक इरप्शन यहाँ पे हो गया हिस्टोरिक नॉर्थ वेस्ट हीट वेव में किल्ड हंड्रेड्स इन यू एस ए इन कैनेडा तो हीट वेव यहाँ पे आ रही है हाई प्रेशर जोन बनने के बाद से ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू हैवे अस नाइस डे है